नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय वायुसेना शनिवार 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस पर 90 साल की उत्कृष्टता का जश्न मना रही है। भारतीय वायुसेना दिवस समारोह चंडीगढ़ में एयरबेस के बाहर सुखना लेक पर हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पटना में जमीनें लिखवा ली। बांग्लादेश में औपनिवेशिक काल के हिंदू मंदिर में स्थापित एक देवी की मूर्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बिहार में करीब 5100 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ेगी और एक पुल बनाया जाएगा। इसका सीधा फायदा 14 जिलों के लोगों को मिलेगा। इसमें सुपौल, अररिया, सारण, सिवान, बक्सर, गया, नवादा, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुंगेर, भागलपुर, बांका और मुजफ्फरपुर के लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब हमें वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। एक किताब के विमोचन के वक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था के वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में एक व्यक्ति के द्वारा एक साथ दो दो सरकारी नौकरी करने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। जिले के उजियारपुर प्रखंड के बांगरहट्टा निवासी बिरजू राय एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी नौकरी एक साथ कर रहा है। इतना ही नहीं, दोनों जगह से वो वेतन भी उठा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को बकाए डीए एरियर का सौगात सरकार दे सकती है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बकाए एरियर को लेकर फैसले ले सकती है। जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 के बीच डीए एरियर पेंडिंग है, जिसे कोरोना के चलते सरकार ने रोक दिया था। पश्चिमी चंपारण के बगहा में रोज शिकार कर रहा बाघ अब मारा गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के रघिया रेंज के बलुआ में शनिवार की सुबह यानी आज सुबह भी मां बेटे को हमला कर मार दिया गया था। यह बाघ 4 लोगों को अपना शिकार। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के आरोपों के बाद जदयू के दिग्गज नेता ललन सिंह का बयान आया है। ललन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी 90वीं वर्षगांठ पर एक नई वर्दी का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना अपने योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 8 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ मनाता है। चंडीगढ़ में वायुसेना के विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक मंच पर आ सकते हैं और सबसे खास बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए जी बाल कृष्णन कमेटी का गठन कर दिया है। ये आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में काम करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं लेकिन जिन्हें अभी तक एससी कोटे का फायदा नहीं मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के 31वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए, लेकिन जहां तक मेरी समझ है आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेजों से पैसे मिल रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है। मॉनसून ट्रफ लाइन इस समय आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तेलंगाना में चक्रवात के हालात बने हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंच रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश की रफ्तार कम होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को चुनाव में एक व्यक्ति एक सीट का नियम लागू करने का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा है। इसके पहले 2004 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। चुनावों में एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव करना होगा। पैकेट वाले दूध की कीमत में अब 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पटना डेयरी की तरफ से बताया गया है कि आगामी 11 अक्टूबर से सुधा दूध के दामों में प्रति लीटर 2 से 3 की वृद्धि की जा रही है। पटना कॉम्फेड में सुधा दूध की नई कीमतें भी जारी कर दी गई हैं। वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहे हस्तिनापुर को पारिस्थितिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित कर नई पहचान दिलाई जाएगी। ये बात शुक्रवार को हस्तिनापुर पहुंचे प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं वन राज्य मंत्री KP मालिक ने कही है।
पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बैठक भी की। इसको लेकर भारत ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि हमने इस यात्रा को लेकर अपनी आपत्तियों से अमेरिका को अवगत करा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। इसरो ने बताया कि इससे चांद पर सोडियम की मात्रा का पता लगाने की संभावनाओं का रास्ता खुल गया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े स्तर पर चल रही फर्जी मेंबरशिप और गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायत न सिर्फ सीएम भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से की है, बल्कि पीसीए स्टेक होल्डर के नाम खुली चिट्ठी लिखकर 150 लोगों को गैरकानूनी ढंग से सदस्यता देने का पर्दाफाश भी किया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने दिल्ली NCR में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 3 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। अब CNG और PNG के दाम बढ़ने के बाद सफर, कारोबार और रसोई में भी इसका असर दिखने लगा है। पहले जहां पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करने वाले परेशान थे, तो अब CNG वालों ने भी सिर पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तटरक्षक ICZ के अधिकारी ने बताया कि उन्हें पाकिस्तानी नाव की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद शनिवार सुबह उन्होंने पाकिस्तानी नाव अल साकर में सवार 6 लोगों को 350 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ पकड़ा है। वायुसेना शनिवार को अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। हमारे वायु योद्धाओं ने राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना दिखाई है। देश में एक बार फिर से कोरोना केसों में उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2500 से अधिक केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 2797 नए मामले सामने आए हैं और 3884 लोग ठीक हुए हैं। भाजपा नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप मच गया है। इसका खुलासा होते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की टीम हिसार पहुंच गई है। हालांकि CBI की टीम परिवार के लोगों से मिल रही है। CBI ने चिट्ठियों को औपचारिक रूप में ले लेगी, अब इनमें किए दावों की जांच करेगी। दिल्ली की आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के धर्म परिवर्तन पर दिए गए बयान का गुजरात में विरोध शुरू हो गया है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर शनिवार को पोस्टर दिखाई दिए जिनमें अरविंद केजरीवाल को टोपी पहने दिखाया गया है। एक पोस्टर में लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला खेलने रांची पहुंची भारतीय टीम का क्रिकेट फैंस ने जोरदार स्वागत किया है। होटल पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत पारंपरिक नृत्य से किया गया। होटल के बाहर भारी भीड़ को देखते हुए होटल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता के CCU में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी है। शनिवार को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मेदांता हॉस्पिटल में उनका हाल जानने पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव से उनकी सेहत की जानकारी ली। पूरा देश आज भारतीय वायुसेना दिवस 2022 मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर बधाई संदेश प्रेषित किया। शेखावत ने जिस लड़ाकू विमान की फोटो लगाई, दावा किया जा रहा है कि वह फोटो F-16 लड़ाकू विमान का है जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए बताया कि म्यांमार में फंसे लगभग 50 लोगों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग म्यांमार पुलिस के पास हैं क्योंकि वे अवैध तरीके से वहां गए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश शर्मा, रंजीत कुमार ठाकुर, मुचू रंगीला, नुनू कुमार, KK सिन्हा, रवि शंकर, दीपक कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि एयरफोर्स के वर्षों पुरानी वर्दी में किए गए बदलाव पर आपके क्या विचार हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।